गुड आफ्टरनून गाइज एंड वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। ये है लंच और लंच भी बिल्कुल सिंपल है। टमाटर की चटनी है और ये आपका छोले है ना, छोले और मटर है, मिक्स है। और ये बनाया किसने, मम्मा ने? तो गाइज ये करते फिर आप लोगों को मैं मिलता हूँ। गाइज कैसे सो रहा है शशु? आज तो पूरे दिन सोए जा रहा है। घर में रोशन भैया बर्तन धो रहे, कल का टाइटल होगा रोशन भैया बर्तन धो रहे। साले मैं बर्तन नहीं धोता भाई, तू बता दे चल। तो गाइज नहा के बिल्कुल रेडी हो चुका हूँ और अब देखते हैं आज का व्लॉग क्या करने वाला। वैसे मैं भाई के साथ सोच रहा हूँ चैलेंज वीडियो बनाऊँ। करेगा भाई चैलेंज? इसको भी ले जाए सांप के पास, मम्मी को बड़ा कर, इसको भी उठा लो। अब मेरे केस को बाहर ना रहो। हाँ देखो, ओ भाई अच्छा लग रहा है, राम रो लाग दे चल। पीछे पीछे तो घूमो गाइस, कमेंट कर देना मम्मा कैसे लग रही है। बहुत बढ़िया लग रहा है, एकदम ब्यूटीफुल लग रही है, देखना एकदम अच्छे लग रहे हो। आंटी ने बोला जिन्होंने बनाया वो ये मेरा करवाया है। हाँ। बोला कि मैं 10 साल छोटा कर दा, मेरा जो हुआ से 10 साल से छोटा दिखा देगा। अच्छा चलो शाम को ढूंढ के आते चले भाई। चलो तो गाइस बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से ना नीचे कोई भी अकेले नहीं जा पा रहा, बिकॉज ना सांप वाप भी आने के डर रहता है, क्योंकि ना इधर आसपास में जंगल है और बारिश में कुछ भी हो सकता है। डंडा लेके तो आ जाते हैं? डंडा मैं भी एक बार आया था गाइस, मैं भाग गया था ऐसे। तो ऐसा है, पहले लाइट ऑन करते भाई। सुनसान भाई, इधर डर बहुत लगता है। देखो ना गाइस अभी यहाँ पे गंदगी बहुत पड़ेगी, इसके नीचे हो सकता है सांप वाप दिखे, बता रहे हैं यहाँ पे। लाइट सारा ऑन करो, नहीं सब ऑन करके देखो कितने लाइट है, देखो कितना ये रहा सांप। मम्मी सांप, डर गई मम्मी, डर गई मम्मी, डर गई मम्मी, डर गई। यार मत डरो गाइस, सच में बता रहा हूँ, मम्मा के ने इतना डरा दिया ना कि सांप वाप आ जाते उसके बजे। यार डरा दिया आपने यार, कहाँ है बैग, कहाँ है मेरा? चलो मम्मी लाइट को बंद कर दो सारे। हो गया, चलो गाइस हम आप सीधा ऊपर मिलते हैं। सो गाइस इसे रिटर्न करने जा रहे हैं, ये छोटा हो गया, इससे बड़ा लेने जाएंगे और ये भी चेंज करवाना है। तो अब मम्मा भी आ रही है। मम्मा यार बाहर नहीं रखूंगा, बाहर ना बच्चे छेड़ते रहते, कोई मजाक थोड़ी यार, इतनी मेहनत से कमाया है इस गाड़ी को। गाइस ये देखो फोल्ड हो जाता है, ऐसे करो ऐसे हो जाता है, ये बढ़िया पूरा फोल्ड हो जाता है गाइस, बेड बन सकता है इसमें ना। 24 आवर वाला चैलेंज करूंगा एक दिन। देखिए भाई आराम से आराम से आराम से, ठीक है ऊपर ऊपर नहीं लगना चाहिए बस। बहुत ही स्ट्रगल करना होता है गाइस। बस 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 मम्मी ज़्यादा रगड़ बगड़ मत मारो बस। नहीं 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 रुक रुक रुक, थोड़ा आगे कर, हल्का से हल्का हल्का सा आगे, बस बस हो गया हो गया। अब आ जाएगा, नहीं नहीं वो आगे करना पड़ेगा मम्मी, चलूम चलूँगा क्योंकि ब्रेकर इतने। चलो वे मम्मा कह रहे 10 साल यंग हो गई बालों में कलर करा के। गाइस कितना फर्क पड़ जाता है विदाउट बारिश, कितना बढ़िया लग रहा है। गाइस एक चीज बताऊं, ये वाला रूट आज से 3-4 साल पहले बिल्कुल खाली रहता था, मुझे याद है अच्छी तरह। मैं यहाँ पे अपनी बाइक चलाता था R15, तो मैं ग्रेटर नोएडा जाता था पहले अकेडमी के लिए, तो ये रोड बिल्कुल खाली रहता था। अब देखो ना कितना धीरे धीरे चल रहा है, बिल्कुल D&D जैसा हो गया। तो 5 साल में कितनी भीड़ हो गई है नोएडा में। चलो गाइस अब यहाँ से विद इन 15-20 मिनट में पहुँच जाएंगे हम सेक्टर 9। यार कोई भी काम के लिए ना बड़ा दिक्कत हो गया, क्योंकि हम बहुत दूर पहुंच गए, ऑलमोस्ट हम ग्रेटर नोएडा पहुंच गए। तो हमें नोएडा सेंटर नोएडा आने में लग जाता है 15-20 मिनट ना, हम बहुत दूर आ गए। तो गाइस अब सीधा आपको सेक्टर 9 ही मिलते हैं मार्केट में। सेक्टर 9 पहुंच गए हम लोग और हमें आराम से वैसे खराब हो रहा है। अच्छा इसी वजह से, अच्छा तभी उस टाइम आपको दिक्कत हो रही थी आराम से। गेट बंद कर दो, एक तो ये भी ऑयल भी लेके आने से वजह से थोड़ा दिक्कत हो रही है। अब ये ऐसे चेंज करेंगे गाइस, इससे ये छोटा पड़ रहा है तो यहाँ पे मिलता है। तो गाइस यहाँ पे मिलते हैं टेबल सारे, ये भैया कपूर, ये देखो गाइस
यहाँ पे आप देख सकते हो। अरे भाई क्या हो गया, आप क्यों गिर रहे हो? हाँ ये बड़ा है। सबसे सस्ता कौन सा होता है यहाँ पे? सबसे सस्ता तो वही था जो आप ले गए थे, जो आपने हमें सबसे महंगा दिया। काफी लोग पूछते रहते मंदिर, ये मंदिर कितने का है? ये वाला तो एलईडी का मंदिर है भैया, व्हाइट में एलईडी। कितने का? कितने का? 850 का है। कितनी बढ़िया लग रही है ना, था बिल्कुल चमक रही है, बिल्कुल साफ करके लाए ना एकदम। तो अंदर अभी मम्मा चूज कर रही है कौन सा वाला ले जाना है। तो अगर किसी को आना है आपकी दुकान तक तो कैसे आए बता दो? भैया ये सेक्टर 9 बासबली मार्केट नोएडा। और आपका दुकान नंबर कौन सा है? ये दुकान नंबर 2 है हमारा। तो भैया का दुकान नंबर 2, भैया डिस्काउंट लगा देंगे बढ़िया वाला, आज हमारा डिस्काउंट लगाने वाले बढ़िया वाले। सही लगा देना गाइज, आप आ सकते हो बिल्कुल बासबली, बिल्कुल रोड दिखा देता हूँ मैं आपको भैया के। ये देखो तो बिल्कुल ये है गाइस, ऑन रोड है सारा। तो पहला ही दुकान है, पहला नहीं दूसरा दुकान है। इधर से यहाँ पे यामा का शोरूम है, लिटा दिया है जिससे कि वो बड़ा वाला टेबल आ जाए। बट एक टेंशन है कि थर्ड पर्सन कहाँ बैठेगा, आगे तो 2 हैं, तो ये अभी टेबल एडजस्ट कर रहे हैं। ये वाला टेबल पसंद किया हमने, ये बहुत बड़ा है। देखो गाइस कैसा बैठा हुआ है यार। तो गाइस ये शॉप है, अब आया मेरा बेड बोलते हैं। सो गाइस अब मेरा आया है टेबल बढ़िया वाला, जैसा मुझे चाहिए था। नाप के लेके थी मम्मी, ये मेरा बर्थडे गिफ्ट है। तभी लोग कह रहे मम्मी के कह रही थी रोई और मम्मी कि बहुत बड़ा गिफ्ट है। टाइम बोले यार है वो तो कुछ और है भैया, तू देखता नहीं जाएगा। अच्छा एक और गिफ्ट है मेरे लिए, पहले BMW खरीद रहे। ओह माय गॉड मेरे लिए BMW आ रही है गाइस। आप ब्लॉग में बने रहो, आपका भाई चलाएगा BMW। भाई हंस गया, और वाला का BMW की छोटी सी गाड़ी आएगी। तो गाइस ये भी लेके आ गए हम, थोड़ा सा लेके आया ना BMW। ये क्या कह रहा तू? ये एक छोटा सा होता है ना, ये बच्चा वाला, बच्चा वाला है BMW, ऐसे चलाने वाला रिमोट से। मम्मी ने सफाई करने में लगी पड़ी है। नहीं 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 वो देख लिया। तो गाइस ये भी चेंज कर लिया हमने, सॉफ्ट टच है, टच भी अच्छा है। अरे हां ये सही है, बिल्कुल तेल से ही ना, बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया है। तो चलो गाइस अच्छा है, दुकान वाले भी अच्छा था, उसने बिल्कुल एक्सचेंज भी कर दिया, पैसे भी सही लगा इसका प्राइस। गाइस ये हमें 2000 का पड़ा, बता ज़्यादा रहा था। तो आप लोग भी ले सकते हो, वहाँ पे आपको मंदिर भी मिल जाएगा, ऐसे टेबल भी मिल जाएगा। बाकी एड्रेस आप लोगों को बताए रखा व्लॉग। नमकीन भी लेके आए, कोंडी में नमकीन बहुत सस्ते मिलते गाइस और अच्छे भी बहुत होते हैं। ये रस है, ये दूसरे, ये क्या है, बिस्किट है। तो आप अगर वहाँ जा रहे हो ना ये ज़रूर लेना, ये सस्ते पड़ते हैं। ज़्यादा क्वान्टिटी में लें तो और फ़ायदे में रहोगे। ऑयल भी ले लिया, और अब मम्मा शैशी का खाना भी लेके आया क्या वहीं से? नहीं। गुड मॉर्निंग गाइज, और कल व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाया था, कंटिन्यू कर रहा हूँ कल के व्लॉग को। तो मम्मा मैं और चलो भाई को नींद भी पूरी करने नहीं देते। चलो 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 गाइज, तो आज मैं व्लॉग को भी थोड़ी देर में एंड करूँगा, फिर एडिट भी आज ही करना मेरे को। और हम जा रहे सब्जी मंडी, तो आप लोगों के लिए भी एक अच्छा रहेगा कि आप लोगों को पता चल जाएगा नोएडा में सब्जी मंडी कहाँ पर है, कहाँ सस्ते सब्जी मिलते हैं। हम निकल गए सब्जी मंडी के लिए, और हम जा रहे भंगेल सब्जी मंडी, वो प्राइवेट है, एक गवर्नमेंट सब्जी मंडी है गाइस, जहाँ पे ना आपको बहुत सही प्राइस में मिल जाता है। तो अभी हम भंगेल गवर्नमेंट प्राइस में, तो हम भंगेल वाले में जा रहे हैं। तो अभी यही है, नेपाल में भी ऐसे था मामा, पेट्रोल वाला है ना, पेट्रोल भी वहाँ पे 2 है, एक तो गवर्नमेंट वाला है एक प्राइवेट वाला है। तो गवर्नमेंट वाले में बिल्कुल सही रहता है पेट्रोल। गाइस पहुंच गए हम सेक्टर 82 भंगेल, और ये भंगेल का सब्जी मंडी है। तो आप यहाँ से आके ले सकते हो, मतलब और जगह से प्राइस सही मिलता है यहाँ पे, बट यहाँ पे आपको बल्क में ले जाना पड़ेगा, ज्यादा क्वांटिटी में ले जाना पड़ेगा तो फायदा है। तो आज मम्मा ज्यादा, और यहाँ पे ना नूडल्स भी मिलते हैं, नूडल बहुत सस्ते मिलते हैं। जैसे अगर आप चाउमीन का बिजनेस करते हो, या आपको घर पे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पार्टी या किसी चीज में ओकेशन में चाउमीन बनाते हो, यहाँ के यहाँ से लेके जाओ, पनीर भी सही मिलता है यहाँ पे। तो हम तो बहुत पहले से आते हैं। लिया टमाटर कितने रुपए किलो? टमाटर 100 रुपए किलो टमाटर यहाँ। और प्याज? प्याज 5 किलो 140 का, कोई कैसे पारी। सो गाइस यहाँ पे टमाटर 100 रुपए किलो है, तो आप यहाँ पे आके ले सकते हो। यहाँ पे भी लेवल है 1, 2, 3, बट यहाँ पे 100 रुपए किलो टमाटर मिल रहा है, बड़ी बात है। और टमाटर अच्छा बहुत महंगा, अच्छा वाला मिल रहा है, तो आप यहाँ पे आके ले सकते हो। बट आपको मॉर्निंग में आना पड़ेगा, मॉर्निंग में 6-7 बजे। अगर आप लेट आओगे 11, हम भी तो लेट हो गए, पूरा सब्जी उठ चुका है। नोएडा में बहुत सुंदर सुंदर जगह है, ये जगह फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ मैं। कौन सा मेट्रो स्टेशन है देखने लिखा ही नहीं, मेट्रो स्टेशन ऊपर लिखा है, नीचे का लिखता है नहीं, वहाँ साइड में लिखा रहता है, दिख नहीं रहा। ये सब हमारे सामने डेवलप हुआ है, पता है? ये देखो साइड में नदी भी है, नदी गई ऐसे तो गई थी, यही रोड कितना सुंदर रोड लेके आता उसने मुझे। हां ऐसा लग रहा है कहीं बाहर आई हूं, लेकिन साइड में नाली हो दिख नाला भी है।
चलो गाइस आप लोगों को ना घर के अंदर मिलेंगे सीधा। घर पहुंच गए हम। तीस रुपए किलो भाई प्याज, 30 रुपए किलो। देखो ना आपका बेटा भागने के लिए तैयारी कर रहा है। चाय बना रहा भाई, सुबह सुबह चाय बना रहा। और देखो गाइस क्या क्या है, करेला लेके आए। कितने रुपए किलो हुआ करेला है? आपको पता होना चाहिए गाइस कितना महंगा हो गया आजकल, महंगाई का जमाना है। मम्मियों को ज्यादा पता रहता है। 30 रुपए किलो। और जो घर चलाते हैं, नींबू 60 रुपए किलो। नींबू 60 रुपए किलो। धनिया कसरी बंदे थे भाई 30 रुपए, 30 रुपए के 250 ग्राम से ज्यादा है। अच्छा, ये है 90 रुपए का। इतना सुंदर फूल है, देखना काई कीड़ा कूड़ा कुछ नहीं है ना। अदरक है आधा किलो 140 रुपए, ठीक है। और ये है 100 रुपए किलो, तो 2 किलो ले मैं। 100 रुपए किलो का टमाटर, ठीक है। हाँ बीन सस्ता मिला है, 50 का पाव था, 80 रुपए का आधा किलो मिला। ओ हो, ये रोज डे में गर्लफ्रेंड को गिफ्ट दे रहा था। ये भी सस्ता हो गया है, 90 रुपए का। ये भी सस्ता है, ये नहीं इतना। सचे तुम क्यों घूम रहे हो? देखो मुझे प्यार कर रहा है मेरे। देखो ये देखो कैसे मेरा प्यार, देखो देख प्यार कर रहा है, देखो प्यार कर रहा है मुझे, देख रहा प्यार कर रहा है मुझे। ये आलू ये लेके आया क्या? यहाँ पे हमारा भाई बना रहा चाय। जब भी मैं ये देखता हूँ गाइस मुझे ना एकदम काका की याद आ जाती है, काका और शैमा की, काठमांडू याद आ जाता है। तो गाइस अब मुझे लगता है वीडियो को, ब्लॉग को यहीं एंड करना पड़ेगा, बिकॉज मुझे एडिट भी करना है। क्योंकि ना आपको पता है 2 दिन को मिला के एक ब्लॉग बना रहा हूँ, क्योंकि कल मैं कुछ कारण से ब्लॉग शूट नहीं कर पाया था। सो गाइज दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर आप मेरे चैनल पे नए गए जाके जरूर बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं नई वीडियो नई ब्लॉग के साथ। टाटा बाय बाय, सी इन माय नेक्स्ट वीडियो गाइज, लव यू एंड बाय बाय।